अररिया न्यूज़, एक नज़र हर खबर। अररिया में बढ़ते कोरोना कोविड 19 के संक्रमण को देखते हुए आज दिनांक 12 जुलाई 2020 दिन रविवार से 19 जुलाई 2020 तक शहर में जिला पदाधिकारी श्री प्रशांत कुमार के आदेशानुसार लॉकडाउन लगाया गया है। इस लॉकडाउन के दौरान कुछ शर्तों के साथ ज़्यादा जरूरत के सामानों के लिए समय सीमा के अंतराल में निर्धारित दुकानें ही खोले जा सकते हैं। इसके अलावा सड़क पर बेवजह घूम रहे बिना मास्क पहने लोगों पर आज अररिया SDPO पुष्कर कुमार, नगर थाना अध्यक्ष किंग कुंदन अपने दलबल के साथ बिना मास्क पहने कई लोगों के चालान काटे और उन्हें कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जागरूक भी किए। इसी क्रम में अररिया नगर परिषद क्षेत्र चांदनी चौक, बस स्टैंड, अररिया RS रजोखड़ इत्यादि जगहों पर खुद SDPO पहुंचकर लोगों को जागरूक और लॉकडाउन को पालन करने की अपील की। SDPO पुष्कर कुमार ने कहा, लोग अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकले, जरूरी काम से घर से बाहर निकलना पड़े तो मास्क लगाना न भूलें। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी लोगों को अनुपालन करने का निर्देश दिया गया। आवश्यक वस्तुओं की दुकानें निर्धारित अवधि में ही खुलेंगी, खरीदारी के लिए लोग इसी अवधि में बाहर निकलेंगे। मास्क नहीं लगाने पर आर्थिक जुर्माना भी लगाने की कार्रवाई का उन्होंने निर्देश दिया। सरकारी कार्यालयों के साथ साथ खाद्य सामग्री, बैंक, ATM, पोस्ट ऑफिस, सरकारी चिकित्सा, निजी चिकित्सा संस्था लॉकडाउन में खुले रहेंगे, लेकिन सरकारी कार्यालयों में आमजनों के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। टेम्पो, रिक्शा के साथ साथ सभी प्रकार के निजी वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। स्वास्थ्य जैसे आवश्यक कार्यों के लिए दोपहिया और चारपहिया वाहन का इस्तेमाल हो सकेगा, पर निर्धारित सवारी में ही लोग इनका इस्तेमाल कर सकेंगे। अंतर जिला के लिए अपर समाहर्ता से वाहन का पास लेना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में ही किराना सामान, फल, सब्जी आदि आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। खाद, किराना, पशु चारा और कृषि संबंधित दुकानों का संचालन सुबह 10 बजे से 4 बजे तक होगा, जबकि थोक व खुदरा फल, सब्जी, दूध उत्पादों की दुकानें सुबह 6 बजे से 9 बजे, फिर दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक ही खुलेंगी। लॉकडाउन के दौरान भी निजी क्षेत्र के अस्पताल, नर्सिंग होम, जाँच घर व क्लिनिक खुले रहेंगे। दवा दुकान व चिकित्सा उपकरण की दुकानें भी खुलेंगी। पेट्रोल पंप और रसोई गैस सेवा भी चालू रहेंगी, पर धार्मिक स्थलों पर आम जनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक व मनोरंजन के कार्यक्रम के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। संबंधित पदाधिकारियों को इसका प्रचार प्रसार भी अपने अपने क्षेत्र में कराने का निर्देश दिया गया है। आप देख रहे हैं अपना अररिया न्यूज, अनुराग श्री के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
हैं।